तो दोस्तों देखते हैं इंटरकॉम में कनेक्शन कैसे करना है। तो आपको टोटल एक पावर सप्लाई मिलेगा, दो जंक्शन बॉक्स मिलेगा, ये रहा जंक्शन बॉक्स दो, उसके बाद दो आपको इंटरकॉम मिलेगा, चार केबल मिलेगा दो, ये दोनों को सप्लाई करने के लिए, सप्लाई देने के लिए दो केबल होता है, एक इस एक ये दो केबल, जो इससे कनेक्ट होकर इसको आएगा, इससे कनेक्ट होकर इससे आएगा, जिसको आप कनेक्ट यहाँ पर कनेक्ट होगा पावर सप्लाई केबल। उसके बाद दो केबल इस माने इंटरकॉम को कनेक्ट करने के लिए, एक ब्लैक कलर का केबल होगा ये वाला, ये दोनों केबल होगा। उसके बाद आपको एक अडाप्टर से 24 वोल्ट माने 220 वोल्ट लेना, उसके बाद जिसमें आप लगा रहे हो तो उसका जो उसका देखो आप इससे उसका इन होगा इसके आउट में जाएगा, इसके आउट में कनेक्ट होगा, उसका इन इसके आउट में कनेक्ट होगा, देख सकते हैं ऐसे कनेक्ट करके आपको यूज़ करना है। और उसके बाद इसमें जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इसके लिए जो शॉर्टिंग लगाते हैं, अगर आपने फर्स्ट नंबर पर लगा दिया तो इसका जो कॉलिंग का जो होगा 1 होगा, अगर 2+2 होगा 3+3 होगा, इसका हमने 2 कर रखा है, इसका भी हमने 2 कर रखा है, अभी देखते हैं चेक करके, और 2 दोबारा तो कॉल लग रहा है, बाकी बटन से कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से ही उसमें कॉल लगेगा। ओके दोस्तों।